हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा कॉलेज ओपन काउंसलिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके ऊपर, यानी कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि आपको तैयार रखना है ताकि यहाँ पर जो है जब भी आप ओपन काउंसलिंग में जाओ तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाए, कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं जो कि नॉर्मल एडमिशन में चाहिए, एक दो डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। तो देखिए, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर नॉर्मल हैं, नॉर्मल जो एडमिशन्स हो रहे थे पहले ओपन काउंसलिंग से पहले, मेरिट लिस्ट लग लग के उनमें भी चाहिए होते थे, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए थे उनमें भी चाहिए थे ये, जैसा कि यहाँ पर जो है आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, इसके अलावा थर्ड नंबर पर देखिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा डोमिसाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अलावा 10th क्लास की मार्कशीट, बैंक अकाउंट कॉपी, 12th क्लास की आपकी मार्कशीट, ठीक है। अगर 12th यहाँ पर जो है अभी नहीं आई है तो रिजल्ट भी चल जाता है, आप जो यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई अभी नहीं आई है, ठीक है। इसके अलावा गैप ईयर अगर है आपका तो गैप ईयर सर्टिफिकेट, यानी कि गैप ईयर उन्हीं को चाहिए जिन्होंने बीच में गैप ले लिया, ठीक है। मतलब जैसे कि 2020 में पास की थी 12th, अब एडमिशन ले रहे हैं 2022 में, तो गैप हो गया एक साल का 2021 का, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं चाहिए क्योंकि सब जो है 12th करने के बाद ही एडमिशन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट जो है अगर यहाँ पर आप अप्लीकेबल हो, ठीक है, तो वो भी चाहिए। इसके अलावा BPL सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी लगा सकते हो। फैमिली ID भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आधार कार्ड आपका, इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब एक यहाँ पर ये भी डाउट आता है कि करेक्टर सर्टिफिकेट हमारे किसी और कॉलेज में है, तो यहाँ पर जो है आप लोग एक बार एडमिशन के लिए जा सकते हो, फिर जो है वहाँ से विड्रॉ करवा सकते हो, यानी कि वापस ले सकते हो। इसके अलावा वेटेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो, इसके अलावा जो है यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा NCC NSS रूरल एरिया की सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ इनके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो यहाँ पर नॉर्मल एडमिशन में भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आता है कि भाई आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, इसको ध्यान से समझो। यानी कि जब आप ओपन काउंसलिंग के लिए जाओगे तो या तो दो केस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझा रखा है पहले भी, एक तो आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो आपके लिए पोर्टल खुलेगा, आप लोग फॉर्म भरोगे, वो फॉर्म जो निकलेगा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा प्रिंट आउट, तो वो लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने भर रखा है तो दोबारा से निकलवा लो, अगर निकलवा रखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपने कुछ उसमें एडिटिंग करनी है तो वो कर दो, उसके बाद फिर से निकलवा लो। कहने का मतलब आपने जो फॉर्म भरना है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, यानी कि वो फॉर्म लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड डॉक्यूमेंट रहता है वो अब ध्यान से सुनो, वो यहाँ पर ऐसा सीन है कि भाई कुछ एक कॉलेज मांग लेते हैं, ठीक है। यानी कि पिछली बार क्या हुआ, मैंने ओपन काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई थी तो उसमें मैंने वो डॉक्यूमेंट नहीं बताया, उसके बाद कुछ एक स्टूडेंट जो है कॉलेज में गए ओपन काउंसलिंग में, फिर वापस आकर उन्होंने जो है शिकायत की कि भाई आपकी सारी वीडियोज़ वैसे तो अच्छी हैं, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ बोला था, लेकिन यहाँ पर जो है आपसे एक गलती हो गई, आपने हमें एक डॉक्यूमेंट नहीं बताया। मैंने कहा यार कौन सा, उन्होंने कहा कि भाई एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपने नहीं बताई, हमारे कॉलेज ने मांगी। अब वो जो है सभी ने नहीं मांगी, सभी कॉलेज ने, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट आप मान सकते हो जो कि कुछ एक कॉलेज जो है डिमांड करते हैं, ठीक है। जैसा कि होता नहीं है कि भाई यहाँ पर एक दो जगह ऐसी होती है जहाँ पर उनकी अलग ही यहाँ पर कंडीशंस होती हैं कि भाई यहाँ पर जो है आप लोग ये करके नहीं आ सकते, वो नहीं कर सकते, ये वो, ठीक है, या फिर आपको ये चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं हर चीज़ के, ठीक है। तो ऐसा ही है कि यहाँ पर जो है जैसे कि 100 कॉलेज हैं तो उसमें से 10-12 ऐसे होंगे जो मांग सकते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, कि भाई एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी लेके आओ, ठीक है। तो अब ये क्या होता है वो भी बताऊँगा, टेंशन मत लो। तो ये कहने का मतलब पहले रैगिंग होती थी, अब जो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती। अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। उसमें क्या होता था कि भाई जैसे आपका कॉलेज है उसमें आप जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो पहले से पढ़ रहे हैं आपके सीनियर्स, वो जो है आप जब जाते थे तो यहाँ पर आपका मजाक उड़ाना हो गया, आपके साथ जो है थोड़ी सी यहाँ पर मतलब छेड़खानी वगैरह कह सकते हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर पहले होता था कि भाई स्टूडेंट को परेशान करते थे, ठीक है। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कई बार जो कॉलेज में यहाँ पर हीरो जो है एंट्री करता है तो उसको कई बार बुलाते हैं, ठीक है, या फिर कोई और एंट्री करता है नया स्टूडेंट फिर उसको यहाँ पर नचाते हैं, ठीक है, कपड़े निकलवाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, तो उसी को रैगिंग बोलते थे। तो वो होता था, तो उसी के लिए ये डॉक्यूमेंट चलाया था कि भाई एंटी रैगिंग
यानी कि हम जो है ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर कहने का मतलब भाई आप लोग जो है अगर चाहो तो बनवा सकते हो, मांग सकते हैं कुछ एक कॉलेज, ठीक है, या फिर जो अपने कॉलेज में यहाँ पर एक बार पता कर सकते हो कि सर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या, ठीक है, जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है। अब ये बनेगा कैसे, तो यहाँ पर जो है इसका फॉर्म वगैरह आपको मिल जाएगा बाहर से, वो आप लोग भर के इसे जो है कोर्ट वगैरह से या फिर तहसील वगैरह से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से कि भाई आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको नॉर्मल एडमिशन में चाहिए, जैसे कि 10th 12th की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके अलावा बैंक अकाउंट कॉपी, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा दो और बताए हैं मैंने अलग से, एक तो आपका फॉर्म जो आप भरोगे, दूसरा एंटी रैगिंग, ठीक है। तो आप लोग जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, ओपन काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।